हेलो दोस्तों, स्टार वी एग्जाम टिक्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे, यूपीएसआई और एसएससी में पूछे जाने वाले डाइस से प्रश्न। इससे दो या तीन प्रश्न अनिवार्य होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आप इसको हम इतने आसान भाषा में बताएंगे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, लेकिन हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। अगर बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, आप इसमें जुड़े रहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और समझ आता है इस टॉपिक से, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग डाइस। रेलवे, यूपीएसआई और एसएससी में पूछे जाने वाले दो से तीन प्रश्न अनिवार्य होते हैं इसमें। तो चलिए आज देखते हैं रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट में डाइस। वैसे तो आप लोग जानते होंगे डाइस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। और पासा आप लोग बचपन में खेले होंगे लूडो। और लूडो में जो एक छोटी सी गोटी होती है बड़ी सी, उसमें 6 अंक दिए रहते हैं, हर साइड पर अलग अलग अंक दिए रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। यानी वहाँ पे सामान्य भाषा में छक्का कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डाइस का प्रयोग करते हैं। तो डाइस कितने प्रकार का होता है आप लोगों को तो यह पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग लूडो खेल करके बहुत ही मनोरंजन लिए होंगे। तो आज चलिए सीखते हैं उसी मनोरंजन की भाषा में डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस दो प्रकार का होता है। एक ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक या व्यापक पासा। दूसरा होता है जनरल डाइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्य पासा। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों में अंतर क्या होता है, तो दोनों में अंतर जानने के लिए आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से मैंने बना लिया है अपने तरफ से, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 2, 4, 5, 1 और इसमें देखिए 3, 4, 1, 5, 2, 1। तो चलिए मैंने अंकित कर दिया, तो आप इसमें पहचान कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर इसमें कैसे पहचान होगा कि यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम नज़दीक वाले अंक को देखते हैं, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। उनका योग क्या होना चाहिए, दो नज़दीक वाले अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, यानी 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 7। और इसमें क्या है, दो नज़दीक वाले अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आप लोगों को पहचान मिल गया कि इनमें दो नज़दीक अंक वाले का योग 7 नहीं होना चाहिए, इसमें दो नज़दीक वाले अंकों का योग 7 होना चाहिए। देखिए कैसे हम पहचान बताते हैं। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे, 2+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2+3 करेंगे यह 5 हो जाएगा, 1+3 करेंगे यह 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यह नज़दीक वाले अंकों का योग कितना नहीं है, 7 नहीं है। कितना नहीं है, 7 नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे क्या इन दोनों का अंकों का योग 7 के बराबर है। आप बोलेंगे नहीं सर इसका अंकों का योग कितना है, 9 है। क्या इसके अंकों का योग 7 है, नहीं है। क्या इसके अंकों का 7 है, नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, बस इतना सीख गए ना, इसके आगे और आसान है। सबसे पहले बात मैंने क्या आपको बोला, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। डाइस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसको हम हिंदी में एक को कहते हैं मानक पासा, एक को कहते हैं सामान्य पासा। मानक पासा की पहचान कैसे करेंगे, फिगर ड्रॉ किया रहेगा एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि
क्या यह मानक भाषा है या सामान्य भाषा है, तो आप लोग को पता रहेगा फटाक से कि इन दोनों के नज़दीक अंकों का योग बराबर 7 नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, 7 कहेंगे, सॉरी मानक भाषा कहेंगे। इसी प्रकार अगर इन दोनों के अंकों का योग 7 हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, सामान्य भाषा। देखिए इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7, तो हम इसको क्या कहेंगे, सामान्य भाषा। क्या कहेंगे, सामान्य भाषा। अगर यहाँ पे अंकों का योग, दो नज़दीक अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा। इतना समझ में आया, तो चलिए आगे देखते हैं इस पे। तो आप लोगों को बस खाली एग्जाम में इतना तो पता चल गया कि अगर नज़दीक अंकों का योग 7 के बराबर नहीं है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, मानक भाषा। अगर दो नज़दीक अंकों का योग 7 के बराबर है तो वह क्या कहलाएगा, सामान्य भाषा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चैनल तक लास्ट तक बने रहिए और आगे देखते रहिए। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए आप, सबसे पहले इसको नोट में लिखेंगे आप लोग ताकि एग्जाम में हमेशा आप लोगों को ध्यान रहे। देखिए मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ और एग्जाम में बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, अगर दो नज़दीक वाले अंकों का योग 7 नहीं होता है तो वह मानक भाषा कहलाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया दो नज़दीक वाले अंक कौन कौन से हैं। अगर इन दोनों के नज़दीक किसी भी प्रकार का इस मानक भाषा में अगर किसी भी प्रकार का अंकों का योग 7 हो जाता है तो हमारा मानक भाषा नहीं कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, सामान्य भाषा। लेकिन अगर वह 7 के बराबर नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मानक भाषा। जैसे 3, 2, 1 मैंने लिखा, तो इनके अंकों का योग क्या 7 के बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, इनके अंकों का योग अगर हम प्लस करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, मानक भाषा। यानी डज नॉट इक्वल टू 7 के बराबर है। अगर यहाँ पर दो नज़दीक वाले अंकों का योग 7 के बराबर है, जैसे मैंने अभी बनाया था आपके सामने, इन दोनों के अंकों का योग अगर 7 के बराबर होता है तो हम इसी को क्या कहते हैं, सामान्य भाषा। जैसे 5, 2, 1 आप बोलेंगे इसके अंकों का योग कितना होगा, 7, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य भाषा। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं, इस पे देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, यह SSC 2008 का क्वेश्चन है, 2008 में पूछे गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से डाइस दिया रहेगा। डाइस में अगर इस प्रकार से दिया है 5, 4, 3, 3, 1, 6 एक पासा दो बार फेंका गया है, किसी छक्के को दो बार फेंका गया है, तो तीन का फलक, हमें इसका फलक बताना है तीन का, दोनों यानी दूसरे साइड में क्या होगा। हम किसी छक्के को देखेंगे तो एक साइड पर क्या रहेगा, तीन रहेगा, तो उसके पीछे वाली साइड पर क्या हो सकता है, कौन सा अंक, तो आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग, मैंने बताया था डाइस दो प्रकार की होती है, एक होता है सामान्य डाइस, एक होता है मानक डाइस। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इनके अंकों का योग 7 होगा तो वह सामान्य डाइस कहलाएगा किसी भी प्रकार। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 का योग कितना है, 7 के बराबर है, कितने के बराबर है, 7 के। इसी प्रकार से 6 और 1 का देखेंगे तो यह भी 7 के बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सामान्य भाषा। क्या कहेंगे, सामान्य भाषा यानी जनरल डाइस। क्या कहेंगे, जनरल डाइस। तो आप बोलेंगे सर इसका ये तो पता चल गया कि सामान्य डाइस है और हमें तीन का फलक पूछा, यानी विपरीत वाला अंक कौन हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो दिया है, हो सकता है 5 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 6 भी होता है। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले घड़ी का सुई आप देखते हैं, हमें क्लॉकवाइज घूमता है, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है इन दोनों में, तो हमें तीन कॉमन मिला। इन दोनों में क्या कॉमन मिला, तीन। अगर एक कॉमन मिलता है तो अच्छा है, अगर दो कॉमन मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस उसका विपरीत लिखना है। तो हमें यहाँ पर एक कॉमन मिला, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की सुई में, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही चलेंगे। ये क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सबसे पहले हमें कॉमन लिखना है तीन पहले वाली डाइस में। इसके बाद क्या है, चार आएगा, इसके बाद क्या आएगा, पांच आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे तीन, इसके बाद सिक्स, इसके बाद एक। अब यह नहीं करेंगे कि तीन के बाद सबसे छोटा अंक है तो उल्टा चलेंगे, एक नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या कॉमन मिला, इन दोनों में तीन मिला, तो हम बोल सकते हैं इसका विपरीत चार का छः होगा और पाँच का वन होगा। चार का क्या होगा, छः होगा और पाँच का एक होगा। यानी एक साइड अगर चार पाया जाएगा तो उसके विपरीत क्या पाएंगे, एक पाएंगे। अगर पाँच का सॉरी चार के विपरीत छः मिलेगा और पाँच के विपरीत एक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन है तो आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे कॉमन है तो इसका विपरीत कौन सा होगा, यानी तीन का फलक क्या होगा। तो आप लोग सोचेंगे सर अब क्या हो सकता है, तो आप लोगों को मालूम है लूडो में छह प्रकार के अंक होते हैं। इस तरह से अगर लूडो बना रहेगा तो उसमें से छह डिजिट होते हैं और सबका नंबरिंग करके दिया रहता है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे थ्री है, तो इसी तरह से अगर इसको हम पलट देंगे, अगर इसको पलटेंगे तो हमें नंबरिंग करके दिया रहेगा, ठीक है। नंबरिंग करके दिया रहेगा तो यहाँ पे वन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे मान लीजिए फाइव दिया रहेगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। तो इस तरह से नंबरिंग दिया रहता है। तो हमें क्या करना है, लूडो के पासे के माध्यम से, तो आप लोगों को मालूम है कि लूडो में छह प्रकार के अंक होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो कौन सा अंक छूट रहा है, तो आप लोगों को मालूम है हमारा कौन सा अंक छूट रहा है, दो। तो वही जो दो कॉमन होगा, सॉरी तीन कॉमन होगा, उसी का फलक क्या कहलाएगा, दो। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दो। देखिए मैं इतना आसान भाषा में बता रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो और इससे भी बेहतरीन, अभी क्या है जनरल हम सिखा रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं, तो बेसिक के माध्यम से ही चलेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी स्टूडेंट कमज़ोर हैं वह आसानी से सीख सकते हैं हमारे मैथ से, हमारे ट्रिक्स से। तो आप लोगों को समझ में आया, हमें क्या देखना है, पहले जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर हमको का योग सात के बराबर नहीं आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अगर सात के बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, उसको जनरल डाइस कहते हैं, यानी सामान्य पासा। अगर उसके बाद फिर कॉमन हमें देखना, अगर कोई भी कॉमन मिल जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, उसी को पकड़ करके घड़ी की दिशा में चलेंगे, और जैसे ही घड़ी की दिशा में चलेंगे तीन चार पाँच, इसमें तीन चार पाँच, इसी प्रकार से इसमें घड़ी की दिशा में चलेंगे तीन छः एक, थ्री सिक्स वन, ठीक है। तो इसमें हमें दो कॉमन मिला, और दो कॉमन होने का मतलब है चार का फलक क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, और पाँच का फलक एक हो जाएगा। और इसमें अगर दो तीन दोनों में एक कॉमन मिल जाता है तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका फलक दो मिल जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिटा दें, ठीक है, फटाफट। ये SSC 2008 का क्वेश्चन में पूछा गया, आप देख सकते हैं जाकर। चलिए नोट हो गया होगा, मिटाते हैं इसको। अगर मान लीजिए दिया रहेगा
देखिए हमें डाइस नहीं बनाने आ रहा है, आप लोगों को डाइस बनाने आ रहा होगा। हमें जैसे आता है हम बना रहे हैं। चलिए चलिए अंक बदल देते हैं, 3 कर देते हैं। चलिए इसमें आपसे पूछा है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि अगर यह एक पासा दो बार फेंका गया है तो 3 का फलक क्या होगा। तो मैंने बोला था सबसे पहले हम देखेंगे कि अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो हमारा सामान्य पासा। और सामान्य पासा होने के लिए हमें ट्रिक क्या मालूम है, सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है। अगर एक कॉमन मिलता है तो अच्छा है, अगर दो कॉमन मिल जाए तो और बढ़िया है। तो दो कॉमन हमें यहाँ पर मिला, एक मिला 5, एक मिला 2, एक मिला 2, एक मिला 5। इनके अंगों का योग क्या है, 7 है। इनके अंकों का योग 7 है, तो हमें दो कॉमन मिल गए। तो हम किसी, मैंने बोला था अगर एक कॉमन मिल जाए तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, अगर दो कॉमन मिल जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका विपरीत डायरेक्ट क्या लिख देना है, एक का फलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का फलक 1 हो जाएगा। आया समझ में? तो चलिए फटाक से नोट कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार फेंका जाए या 4 बार फेंका जाए या 5 बार फेंका जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। चलिए हम डाइस बना लेते हैं। चार हो गए। चलिए इसमें हम एक नया क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस के माध्यम से। चलिए उसमें हम रखते हैं, चलिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। चलिए इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो फटाफट बनाइए, आप लोग बताइए क्या है, कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसमें देखना है आप लोगों को सीधा सीधा कि हमारा जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस, यानी मान्य पासा है या सामान्य पासा है। तो हमें मालूम है अंकों का योग रहेगा तो सामान्य पासा कहलाएगा यानी जनरल डाइस। देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा। इसी प्रकार 6 2 8, 6 4 10, 6 5 11, 5 6 4 9, 1 4 5, 1 2 3, तो यह किसी भी प्रकार से सामान्य पासा नहीं है, यानी इनके अंकों का योग 7 नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यह क्या कहलाएगा, यह सभी क्या कहलाएगा, मानक पासा, यानी अंकों का योग 7 नहीं है। इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड
डाइस, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इनके शीर्षों पर अंकों का योग देखना है, अगर 7 के बराबर होता है तो सामान्य पासा, तब तो हमारा कॉमन वाला रूल फॉलो कर जाएगा, अगर ये स्टैंडर्ड होगा तो ठीक उसका विपरीत ही होगा। तो हमें 1 का विपरीत क्या मिल जाएगा, 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 2, 3 का 4, 6 का 5 भी हो सकता है, 5 का 6 का 1 भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 का शीर्षों का स्थान में क्या लिखेंगे, 6 के पीछे वाले फलक पर क्या होगा, 1 होगा। 6 के पीछे वाले फलक को इसी फलक को तो पलट दिया है, ऐसे पलट दिया है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 2 1, तो हम कह सकते हैं कि मानक भाषा में इसका अंतर क्या हो जाएगा, 6 का पीछे वाला फलक 1 होगा, 1 का पीछे वाला फलक 6 होगा। फटाफट स्क्रीन शॉट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इस प्रकार से अल्फाबेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी एग्जाम में। देखिए एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपसे सीधा सीधा पूछा गया है, इसमें कौन सा में दिया है डाटा में काला का फलक क्या होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला था पहले इसमें तो अब जनरल और क्या बोलते हैं मानक भाषा तो पता चलेगा नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप लोगों को कॉमन ढूंढना है, और अगर एक कॉमन मिलता है तो अच्छा, तो हम क्लॉकवाइज चल करके उसका मान बता सकते हैं। अगर दो कॉमन मिल जाता है तो डायरेक्ट उसका विपरीत ही क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ फलक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, नीला एक कॉमन मिला, और कोई कॉमन है तो चलिए देखते हैं, सफ़ेद कॉमन है, यहाँ पर भी सफ़ेद कॉमन है, तो हम कह देंगे सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल का फलक क्या हो जाएगा, काला, लाल का फलक क्या हो जाएगा, काला के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से एनटीपीसी में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह एनटीपीसी के एग्जाम में ही नहीं पूछता, यह रेलवे की किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें भी पूछता है, यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम हो उसमें भी पूछता है, एसएससी में तो पूछना ही पूछना है, 2 से 3 प्रश्न आने ही हैं। तो हम कैसे बताएं इतनी आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए यह अल्फाबेटिकल क्वेश्चन था, आगे का तो क्वेश्चन और करते हैं। तो फटाफट स्क्रीन शॉट कीजिए और आगे देखिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, अगर मान लीजिए यह दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बताएंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल के लास्ट तक वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन कर लेता है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही डाइस को 4 प्रकार से फेंका गया है, अगर इसमें अंक अलग अलग आते हैं
और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में जब शीर्ष पर दो होता, कंडीशन दे दी जब शीर्ष पर दो होता तो इसका फलक पीछे का क्या होता है, यानी विपरीत फलक कौन सा होता है। तो चलिए फटाक से आप लोग बताइए, 3 से 4 सेकंड में लग जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट होता है अपना समय। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया है। अच्छी बात है कि हमारे वीडियो से जुड़े हैं और उनको समझ में आ रहा है, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जुड़े रहिए और मैं हर दिन एक नए प्रकार के टॉपिक लाकर आप लोगों को बताऊंगा, रीजनिंग हो या मैथ, और यह ट्रिकी होगा, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को अच्छा यह वीडियो लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो मैंने बोला था सबसे पहले आप पता करेंगे स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस पता करने के लिए हमें क्या करें, अंकों का योग साथ नहीं होता है तो इसी को हम स्टैंडर्ड डाइस, लेकिन यहाँ पे अंकों का योग साथ हो रहा है, 5, 2, 7, 4, 3, 7, एक कॉमन मिल गया तो अच्छी बात है, अगर दो कॉमन मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जनरल डाइस। तो यहाँ पर दो दो कॉमन मिल रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत मान लीजिए एक होगा, सॉरी चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे एक ही कॉमन मिला है, एक कॉमन यह मिला, एक कॉमन यह मिला, तो सबसे पहले वाले फलक को हम इतने से मतलब रखेंगे, अब हमें यहीं तक आंसर मिल जाएगा, आगे जाने की बात नहीं है, आगे जा करके भी वही आंसर आने वाला। तो हमें क्या करना है, 3 को क्लॉकवाइज ले चलना है, क्या करना है, क्लॉकवाइज, जैसे जैसे अंक आते रहेंगे वैसे, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 2 है, जैसे बताया तो वैसे सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर 3 है, इसके बाद क्या है, 4 है, इसके बाद क्या है, 1 है। तो 5 का विपरीत 4 होगा और 2 का विपरीत 1 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा और 2 का विपरीत 1 होगा, यानी ये दोनों कॉमन हो गया। और इन दोनों कॉमन होने के लिए अब बताइए इसमें कौन सा अंक छूट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा है, लेकिन आपसे पूछा क्या था, अब जब शीर्ष पर दो होता तो उसका फलक क्या होता, तो उसका फलक क्या हो जाता, 1 हो जाता, यानी 1 हो जाता। यहाँ पर दो प्रकार के आंसर निकल गए, अगर मान लीजिए 3 का पूछा होता है तो हम क्या करते, 6 बताते, यहाँ पर 2 का पूछा है तो हम बता देंगे इसका फलक क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले वाले वीडियो को नए प्रकार के टॉपिक से ला सकता हूँ। वैसे तो यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारा ये चैनल सबसे बेस्ट है, तो आप हमारे माध्यम से अगर कुछ सीखते हैं तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक, ओके, थैंक यू।